हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 30 पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट का एक टॉपिक ले रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के चार फेजेस होती हैं। चार चरणों में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड वन इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड वन इज क्रैब साइकिल या पीसीए साइकिल एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट जो फेज है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, उसको डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड दो ग्रीक वर्ड ग्लाइकाइस एंड लाइसिस से मिलकर बना है। ग्लाइकाइस मीन्स स्वीट एंड लाइसिस मीन्स लूजनिंग। मीन्स इस प्रोसेस के दौरान शुगर की स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग ऑफ शुगर टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा नाम है उसको ईएमपी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी यानी एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे, also known as EMP, means embedded mayor of pathway। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि दो साइंटिस्ट थे, गस्टाव एम्बेडन एंड ऑटो मेयर हॉफ, जिनके प्रयासों से, जिन्होंने इनकी पूरी जो ग्लाइकोलाइसिस की सारे रिएक्शन से इनमें इन्वॉल्व एंजाइम्स को ट्रेस किया था, उनके ऑनर में, उनके रेस्पेक्ट में ग्लाइकोलाइसिस का एक नाम रखा गया है ईएमपी, एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, साइट की। ग्लाइकोलाइसिस सेल में कहां होता है, मीन्स साइट एट विच ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन होती है, साइटोप्लाज्म एंड वी कैन से साइटोसोल ऑल्सो। इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। मीन्स ये एनारोबिक पाथवे है, बट इट कैन अकर इन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स ये अनऑक्सीजन श्वसन और ऑक्सीजन श्वसन दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। इस प्रोसेस के दौरान मेनली एक सिंपल ऑक्सीडेशन होता है और एक थोड़े से अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। मीन्स यहां पर सिक्स कार्बन एटम की जो शुगर होती है, वो तीन कार्बन एटम के पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल्स में चेंज होगी, प्लस एटीपी का फॉर्मेशन होगा और दो एनएडीएच2 का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम एनएडीएच प्लस एच प्लस के रूप में लिखेंगे। एनएडीएच2 को हम एनएडीएच प्लस एच प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। मेन जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो टोटली रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन हो रही है कि छह कार्बन की जो शुगर होगी यानी ग्लूकोज, वो तीन कार्बन एटम के पाइरूवेट मॉलिक्यूल जो कि दो बनेंगे, दो एटीपी और दो एनएडीपी एच टू यानी एनएडीएच एच प्लस में कन्वर्ट होगा। तो हम ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये 9 स्टेप में होता है। ये पूरी जो रिएक्शन है ये एज इट इज इतनी सिंपल नहीं है, 9 स्टेप में कंप्लीट होगी। इन 9 स्टेप को हम अभी देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के इन 9 स्टेप्स की वन बाय वन।
ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है. दिस इज रेगुलेटरी स्टेप, ये इरिवर्सिबल स्टेप भी है. ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये रेगुलेटरी स्टेप है और ये इरिवर्सिबल भी स्टेप है. पूरे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 3 स्टेप ऐसे आते हैं जो कि रेगुलेटरी होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं. ये जो स्टेप है ग्लाइको सॉरी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है. हेक्सोकाइनेज एंजाइम सारे सेल्स में होता है बॉडी की, बट लीवर की सेल्स के अंदर हेक्सोकाइनेज की जगह ग्लूकोकाइनेज एंजाइम पाया जाएगा. इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता होती है. यहाँ पर एक एटीपी खर्च होता है और एडीपी का निर्माण होता है. जो ये एटीपी है, एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं. एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इस ग्लूकोज के रिएक्ट कर जाता है, कार्बन एटम पर लग जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉस्फोराइलेशन हुआ है, मीन्स एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है ग्लूकोज पे. तो फर्स्ट स्टेप हम बोलेंगे कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ है. दूसरा कि एक एटीपी खर्च होकर एडीपी का फॉर्मेशन हुआ है. नाउ हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण. जो ये सेकंड रिएक्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट इनकी कॉन्फिगरेशन में थोड़ा चेंजेस होता है. इसलिए जो ये रिएक्शन कैटलाइज करता है उसका नाम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम. यानी ये दोनों आइसोमर है इसलिए यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा है और जो ये रिएक्शन है इसको हम आइसोमराइजेशन भी कहते हैं. थर्ड स्टेप के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसके अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन होता है. यानी एक एटीपी इस रिएक्शन में और खर्च होगा और निर्माण होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. इस मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्रक्टोज के 6 कार्बन एटम पे लगा हुआ है और फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से यानी यहाँ पर एक एटीपी और कंज्यूम होने की वजह से जो फॉस्फेट एक एक्स्ट्रा आ रहा है इस फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में वो फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन एटम में अटैच हो रहा है. इसलिए जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. यहाँ पर जो एंजाइम काम में आ रहा है उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1. यानी इससे शॉर्ट नेम है PFK1. इसको PFK1 भी कहते हैं. ये PFK1 ATP एंड सिट्रेट की प्रेजेंस में इनएक्टिवेट या इनहिबिट हो जाएगा. PFK1 इन दो की प्रेजेंस में इनएक्टिवेट या इनहिबिट होता है और AMP की प्रेजेंस में ये फीडअप होता है. प्लस मीन्स फीडअप होना. PFK1 AMP की प्रेजेंस में फीडअप होगा. उसी प्रकार जो ये हेक्सोकाइनेज है ये भी ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन दोनों की प्रेजेंस में ये इनहिबिट होता है और AMP की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है. ये भी रेगुलेटरी स्टेप है. थर्ड स्टेप जो है ये भी इम्पोर्टेंट है. ये रेगुलेटरी स्टेप है, ये रिवर्सिबल स्टेप है. पूरे ग्लाइकोलाइसिस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसी स्टेप पर डिपेंड करती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस. नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है उस स्टेप के अंदर क्लीवेज होता है. यानी जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. ये फ्रक्टोज 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है और इससे क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम ये दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है. दोनों ही 3 कार्बन एटम के हैं. ये भी 3 कार्बन एटम का है और DHFE ये भी 3 कार्बन एटम का है. यानी एल्डोलेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट DHFE यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3PGAL मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरेड्रीहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल या कंपाउंड कह सकते हैं ये DHFE जो है ये भी क्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में 3PGAL में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन सकते हैं, बन जाते हैं ऐसे.
CLA. तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन दो मॉलिक्यूल से, इसीलिए लास्ट में दो पाइरूवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये जो DHA भी है ये ट्रायोज आइसोमेरेज की वजह से फिर PGL में कन्वर्ट होता है। ये दोनों ही सेम केमिकल फॉर्मूला होता है इनका, सॉरी सेम जो एटम्स के नंबर सेम होते हैं, सिर्फ कॉन्फिगरेशन इसमें चेंज होती है। अब ये 3PGAL जो है ये फॉस्फोग्लिसराइड डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड में बदल जाता है। इस रिएक्शन के दौरान जो ये फिफ्थ रिएक्शन है इसके दौरान दो NAD+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा क्योंकि यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स बन चुके होते हैं इसका इसमें कन्वर्ट होने की वजह से। दूसरी चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये जो स्टेप है इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन भी होता है और डीहाइड्रोजनेशन भी होता है। डीहाइड्रोजनेशन हम देख रहे हैं कि फॉस्फोग्लिसराइड में से हाइड्रोजन निकलकर NAD पे लग जाती है, इसलिए NADH2 का फॉर्मेशन होता है। दूसरा कि यहाँ पर देख रहे हैं 2IP मीन्स दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इस रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल 3PGL पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगेगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल है 3PGL का उस पर दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड। यानी 3 पोजिशन पर तो फॉस्फेट ग्रुप था ही, बट फॉस्फोग्लिसराइड के फर्स्ट पोजिशन में भी ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो 3PGL के फर्स्ट कार्बन एटम पे लगने की वजह से जो नामकरण यानी इसका जो नाम हो जाता है कंपाउंड का वो है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड। बिस मीन्स 2 और फॉस्फेट 2 लग चुके हैं 1 पे और 3 पे, इसलिए इसका नाम 1,3 लिखना है हमें। और बने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 बनेंगे आगे, हमेशा ये 2 चलेंगे। नेक्स्ट जो सिक्स प्रोसेस है उसके अंदर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड, क्योंकि ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है, लगभग इसकी जो एनर्जी होती है 12 किलो कैलोरी होती है, इस वजह से ये अब एनर्जी जनरेट करेगा। हम देखते हैं 6 स्टेप में, ये 6 स्टेप फॉस्फोग्लिसराइड की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी 3 टाइप से बन सकते हैं, एक सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो कि हम ETS वाले फेज में पढ़ेंगे, और तीसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन से जो कि हम फोटोसिंथेसिस के दौरान पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है वो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की मदद से होता है। 6 स्टेप से जो प्रोडक्ट बनता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसराइड, क्योंकि यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड था यानी फर्स्ट नंबर का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ही ट्रांसफर हो जाता है ADP पे और ADP का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए जो 6 स्टेप के बाद में जो प्रोडक्ट बचता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसराइड। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। नाउ ये 3-फॉस्फोग्लिसराइड जो है वो 7th स्टेप में 2-फॉस्फोग्लिसराइड में चेंज हो जाता है। इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम पे फॉस्फेट ग्रुप है जो कि इस म्यूटेज एंजाइम फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में वही 3 नंबर पे जो फॉस्फेट ग्रुप 2 नंबर पे चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए नाम हो जाता है प्रोडक्ट का 2-फॉस्फोग्लिसराइड। म्यूटेज भी एक प्रकार का आइसोमरेज है। नाउ अब जो 2-फॉस्फोग्लिसराइड है ये इनोलेज की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में चेंज हो जाता है, इसका नाम PEPB है, इसको PEPB कहते हैं। ये भी हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, लगभग 14 किलो कैलोरी इसकी एनर्जी होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो इनोलेज एंजाइम है ये फ्लोराइड की प्रेजेंस में इनहिबिट हो जाता है। यहाँ पर ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ 5th स्टेप का, ये भी आयोडोस्पीड और आर्सेनेट दोनों की प्रेजेंस में ये इनहिबिट होता है। अब हम इस 9th स्टेप की बात करेंगे, मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, इसका नाम है PEP।
इससे पाइरुवेट कैसे बनता है और एनर्जी का जनरेशन कैसे होता है। तो इस स्टेप के लिए एंजाइम होता है पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज एटीपी की प्रेजेंस में और एसिटाइल को एंजाइम की प्रेजेंस में इनहिबिट होता है। एटीपी एंड एसिटाइल को एंजाइम के और एएमपी की प्रेजेंस में ये फीडअप होगा यानी ट्रिगर होगा। इस नाइन स्टेप के दौरान दो एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है दो एडीपी से, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है यानी फॉस्फेट ग्रुप इस मॉलिक्यूल के अंदर है, वो फॉस्फेट ग्रुप एडीपी पे ट्रांसफर हो जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको हम पाइरुवेट कहते हैं। इस प्रकार दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है। तो हम एक रिएक्शन को ओवरऑल देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। ग्लूकोज जो है इसमें सिक्स कार्बन एटम्स थे और इस ग्लूकोज के रिएक्शन के दौरान दो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल हमें मिले हैं। इसके साथ में भी यहाँ पे हमें दो एटीपी मिले हैं और यहाँ पे भी हमें दो एटीपी मिले हैं और दोनों एटीपी हमें ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कंज्यूम यहाँ पे 180 कंज्यूम हुआ है यहाँ पे 180 कंज्यूम हुआ है तो नेट गेन कितना होगा 280 का, क्योंकि चार हमें मिले हैं यहाँ पर दो यहाँ पे दो और 280 कंज्यूम हुए हैं 4-2 2 280 का गेन प्लस हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 NADH2 हमें यहाँ पे मिलते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन एटम का होता है उसमें टूट जाता है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को शुगर की स्प्लिटिंग भी कहते हैं। अब हम इसके एनर्जी जो मेजरमेंट है उसकी बात कर लेते हैं एटीपी के बारे में। इसमें एटीपी को किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट इज कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेट गेन कितने एटीपी का हुआ है। तो नेट गेन फोर माइनस टू टू एटीपी का होता है, क्योंकि तो फोर जो है एटीपी सिक्स एंड नाइन्थ स्टेप में हमें मिले हैं इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान और जो दो एटीपी कंज्यूम हुए हैं फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में ये कंज्यूम हुए हैं और सिक्स एंड नाइन्थ स्टेप में ये एटीपी जनरेट हुए हैं। तो हमें जो नेट गेन होगा फोर माइनस टू इक्वल टू टू एटीपी हमें नेट ग्लाइकोलाइसिस में मिल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम टोटल एटीपी की बात करें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल एटीपी कितने बनते हैं, तो हम ये देख लेते हैं टोटल मैक्सिमम एटीपी फॉर्म इन दिस प्रोसेस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दो एटीपी है वो तो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने हैं ये दो एटीपी नेट गेन वाले हैं। दूसरे 6 एटीपी बनेंगे यहां पर जो दो NADH2 फिफ्थ स्टेप के अंदर जो दो NADH2 बने हैं उनसे 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्रकार हम देखते हैं कि 2+6=8 ATP 8 ATP टोटल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे 2 NADH2 से 6 ATP बने हैं मीन्स 1 NADH2 से हमेशा ETS के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है जो कि फोर्थ स्टेप है कार्बोनेट मेटाबॉलिज्म का,
उसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, 1 NAD+H2 से हमें 3 ATP मिलते हैं, इसलिए 2 NADH2 से हमें वहां पर 6 ATP का गेन होता है। तो 2 ATP तो हमें सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिल गए, 6 ATP हमको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मिल जाते हैं। इस प्रकार हम ग्लाइकोलाइसिस के दौरान अगर फुल ATPs या मैक्सिमम ATPs का बात करें तो हमें 8 ATP मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये पाइरूवेट है, इसी से एसिटाइलकोलाइन का निर्माण होता है। इस पाइरूवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और एसिटाइलकोलाइन बनता है, इसी स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। सो दिस लेक्चर इज ओवर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।